सब्सक्राइब करने के लिए देखिए यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको यहाँ से क्लिक करेंगे और देखिए बगल में बेल आइकन आ गई है, उसको भी क्लिक करेंगे इस तरह से, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आयरन की अलमारी जो अलमीरा होती है वो सबके पास होती है, और किस तरह से इसको आप रीपॉलिश कर सकते हैं, इसको साफ़ कर सकते हैं। गाइस, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि इसको रीपॉलिश करवाना पड़ता है और इसको साफ़ करवाना पड़ता है, तो बहुत ही इजीली मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बहुत ही अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे और इसको रीपॉलिश कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली बहुत ही ईजी, तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास मेरी बहुत ही पुरानी एक अलमीरा है, उसको मैं क्लीन करके दिखाऊँगी। और ये काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसको इसी मेथड से हम क्लीन करते रहते हैं जिससे ये बहुत इजीली चमक साफ़ हो जाती है, चमक जाती है, और जितने भी दाग धब्बे इस पर होते हैं वो क्लीन होते रहते हैं। तो आज इस पर कुछ दाग धब्बे हैं जिसको मैं क्लीन करके दिखाऊंगी कि किस तरह से बहुत ही इजी मेथड से आप इसको क्लीन कर सकते हो। और क्लीन करने के बाद मैं एक तरीका और बताऊँगी जिससे आप इसको पॉलिश भी कर सकते हैं, जिससे इसमें रस भी नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा, और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बाउल में लेमन ले रखा हुआ है, लेमन का जूस निकाल रखा है। तो यहाँ पे हमें एक लेमन लेना है और साथ में हमें कोलगेट लेना है। कोलगेट काफ़ी अच्छा होता है इस तरह के लोहे की अलमारी को, लोहे की चीज़ों को क्लीन करने के लिए। ये रस से भी बचाता है और बहुत अच्छे से दाग धब्बों को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर उतनी ही क्वान्टिटी में आप कोलगेट ले लीजिए जितना आपने नींबू लिया है, और जब इसको मिक्स करेंगे तो ये एक बराबर मिक्स हो जाता है। देखिए इस तरह से फॉर्म आ जाता है इसका, तो यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होगी। इसी तरह से आप मिक्स कर लें इसको अच्छे से, स्पून की हेल्प से इसको बढ़िया से हमें मिक्स कर लेना है। अगर अलमीरा मतलब एक से दो आपको साफ करना है तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा लें। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर एक अलमीरा है जिसको हम पहले सूखे कपड़े से इसकी डस्ट को हटा देंगे। एक्चुअली में इसमें बहुत सारे डस्ट चिपके होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन इसमें डस्ट चिपके होते हैं। देखिए मैंने इसको सूखे कपड़े से साफ़ किया और देखिए इसमें कितनी डस्ट निकल कर आई है। तो इस तरह से सूखे हुए डस्ट से सॉरी कपड़े से पहले डस्ट को हमें हटा देना है, और इस तरह से सारी डस्ट इसमें निकल आएगी कपड़े में, और ये डस्ट फ्री कर लेना है इसको। उसके बाद से हमें सॉल्यूशन को अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो सॉल्यूशन को अप्लाई करने के लिए यहाँ मैं एक स्क्रबर का यूज़ करूँगी। तो इस तरह से स्क्रबर पे मैंने सॉल्यूशन लगा लिया है, और इस तरह से डैब डैब करके हम पूरे अलमीरा पर इसको अप्लाई करेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि अलमीरा पर अप्लाई करने के लिए हम थोड़े थोड़े पार्ट को क्लीन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा गीला रहेगा ये अलमीरा तो इसमें रस्ट आने का डर रहेगा, इसीलिए हमें थोड़ी थोड़ी देर पे हम इसको अप्लाई करेंगे और थोड़ा पार्ट को क्लीन करके फिर दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। तो इस तरह से देखिए स्क्रबर की हेल्प से इस तरह से सर्कुलर गोल गोल सर्कल में हम इसको घुमाएँगे, जिससे कि ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएगा सॉल्यूशन को। देखिए इस तरह से लगा के इस सॉल्यूशन को हमें अप्लाई करना है। आप खुद देखिएगा कि थोड़ी देर के बाद ये सॉल्यूशन लगाने के बाद ही इसमें चमक एकदम नई जैसी चमक आ जाती है। तो अभी क्या करना है, सॉल्यूशन को लगा करके हमें एक सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर देना है। इस तरह से मैं इसको हटा रही हूँ, देखिए इस तरह से हमें इसको हटा लेना है। अब एक बहुत ही निचोड़ के
गीला कपड़ा लेना है, बहुत ही निचोड़ा हुआ लेना है, ज़्यादा गीला नहीं रहे ये। और उसी से जो सॉल्यूशन लगाया था हमने, उसको उसके ऊपर इसको अप्लाई करना है। इस तरह से देखिए साफ़ करते जाना है। ध्यान रखें कि कपड़ा ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और ये पार्ट पार्ट करके ही आप साफ़ करें, नहीं तो रस्ट लगने का डर रहेगा आपको। लोहे की अलमारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि थोड़ा सा भी पानी लगता है तो उसमें जंग लगने लगता है, तो बहुत संभाल के बहुत बचा के इसको यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए हमने कोलगेट को अप्लाई किया और इस तरह से इसकी क्लीनिंग हो गई। पहले कोलगेट को अप्लाई कर लिया है, अब इसको हमने पहले सूखे कपड़े से पहले पोंछा, फिर अब गीले कपड़े से हमने साफ़ कर लिया। और इस तरह से देखिए बिल्कुल इसकी शाइन चेंज हो गई है। अब इधर से दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का एक यहाँ पे लगा हुआ है मास्क इस पर। अभी हम इस पर सिर्फ सूखे कपड़े से इसके डस्ट हटा रहे हैं। इसके पहले साइड वाला पार्ट है ये अलमारी का, इसके पहले डस्ट उठाएंगे हम। और अब मैं सॉल्यूशन लगा रही हूँ। अभी देखिए आप कि ब्लैक कलर का मार्क इस पर बड़ा सा लगा हुआ है और कई दिन से मैं सोच रही थी इसको साफ़ करने के लिए। देखिए पेस्ट लगा कर देखिए इसको हल्का सा मैंने रब किया और ये देखिए मार्क गायब हो गया। इसी तरह से इसके सारे जो मार्क होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, वो बहुत ईजीली कोलगेट के सॉल्यूशन से चले जाते हैं। नींबू और कोलगेट का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा रिमूवर का काम करता है। इसी तरह से हम इधर साइड में भी पार्ट पार्ट करके लगा लेंगे, जिस तरह से हमने आगे अप्लाई किया था उस पर। इसी तरह से डैब डैब करके कोलगेट और नींबू का जो सॉल्यूशन है उसको लगाना है स्क्रबर की हेल्प से। उसके बाद से सूखे कपड़े से पहले हमें इसको पोंछ देना है एक बार डायरेक्टली। अगर आप गीला कपड़ा अप्लाई कर देंगी तो ये फैल जाएगा, जिससे रस्ट लगने का डर रहेगा। और अब हम गीले कपड़े से इसको पोंछ लेंगे। देखिए इस तरह से इसकी सफाई हो गई, आप देख सकते हो कितना साफ़ हो गया है, ये बिल्कुल डस्ट फ्री हो गया है। क्लीनिंग हमारी हो चुकी है अलमीरा की पूरी तरह से। अब हम इसको पॉलिश करेंगे। पॉलिश करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयली ऑयल लिया है, यानी कि जैतून का तेल, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो। और यहाँ पे ऑयल एक बड़ा चम्मच मैंने लिया है और साथ ही साथ उतना ही मैं ले रही हूँ वैसलीन पेट्रोलियम जेली, जो घर में ही अवेलेबल होती है। दोनों चीज़ें आप अच्छे से मिक्स कर लें। कुकिंग ऑयल ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोई भी कुकिंग ऑयल है, ऑलिव ऑयल ना हो तो कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। और अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेना है, एक बराबर एक तरह की, कोई लम्स ना रहे इसमें, इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी बन जाए, तो अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको हम एक कपड़े की हेल्प से अलमीरा पे अप्लाई करेंगे। तो एक कपड़े से मैंने इस पर लगा करके इस तरह से डैब डैब करके हमें अलमीरा पे लगाना है। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हमें पूरे में पॉलिश करना है, रगड़ रगड़ के घुमा घुमा के सारे पार्ट में। कॉटन कपड़े का यूज़ करिए यहाँ पे पॉलिश करने के लिए। अलमीरा कोई भी कलर की हो, पॉलिश इसी तरह से कर सकते हो आप, उसकी शाइन बरकरार रखने के लिए, चमक आने के लिए इस तरह से पॉलिश आप कर सकते हैं। अब बहुत अच्छे से ये फौरन अभी आप देखोगे कि कितना अच्छा इसमें शाइन आ गया है, चमक आ गई है वापस। तो इस तरह से आप पॉलिश कर सकते हैं। तो देखिए अभी से ये दिख रहा है कि कितना अच्छा पॉलिश है इसमें। तो इस तरह से जब आप ये सॉल्यूशन अप्लाई करें, कसकस के थोड़ा सा हाथ से दबा दबा कर इसको अप्लाई करना है। और करने के बाद 5 से 10 मिनट तक हमें इसको इसी तरह से छोड़ देना है। ये सॉल्यूशन यानी कि वैसलीन और ऑयल का लगाने के बाद जहाँ भी आपको लगेगा कि क्या नाम है, पॉलिश ख़त्म हो गई थी, निकल गई थी, चमक ख़त्म हो गई थी इसकी, वहाँ आपको शाइन करने लगेगा दोबारा ये। तो इस तरह से हम इस साइड में भी कर लेंगे। इसी तरह
इसी तरह से डैब डैब करके देखिए मैं पॉलिश कर रही हूँ। बहुत अच्छे से ये पॉलिश हो जाती है। और ये वाला सॉल्यूशन जो है आप घर की खिड़कियों पे भी कर सकते हैं, विंडोज़ पे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से चमक आ जाती है उसमें भी। सॉल्यूशन को अप्लाई करके इसको 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। और 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद फिर अब हम इस पर एक सूखे कपड़े से इस तरह का, देखिए मैं दूसरा कपड़ा ले रही हूँ सूखा, इससे हमें कस के रगड़ रगड़ के इसको साफ़ करना है। जितना भी अप्लाई किया था उसके ऊपर तो एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा वो अब्जर्व हो जाएगा कपड़े में। और बहुत ही अच्छी शाइन देखिए इसमें आ गई है, आप खुद देख सकते हो कि कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है मेरा अलमीरा, बिल्कुल साफ़ चमकदार हो गया है, रीशाइन कर रहा है, रीपॉलिश हो गया है। तो गाइस इस तरह से आप अपनी अलमारी को भी रीपॉलिश कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।